हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको कल का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने कल का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं अपने इस वीडियो लेक्चर के लिंक में कल के वीडियो लेक्चर का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, जो कि महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में था। कल जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया था वो महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के वीडियो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंतर्गत मैंने प्लेटो के जीवन परिचय, प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो की चिंतन पद्धति, प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक, प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में और प्लेटो की न्याय व्यवस्था, प्लेटो की आदर्श राज्य की आधारशिला या प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में अपना वीडियो लेक्चर दिया था। आज इसी क्रम में प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा व्यवस्था के बारे में आज का वीडियो लेक्चर है, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। चूँकि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत काफ़ी विस्तृत हैं और मैं ये चाहती हूँ कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्लेटो के बारे में, मैं उन सभी फैक्ट्स के बारे में आपसे परिचित करवाऊँ या आपका परिचय उन सभी फैक्ट्स के बारे में दूं, इसीलिए मैंने ये वीडियो लेक्चर कई पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो आज इसी क्रम में मैं प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था के बारे में वीडियो लेक्चर दे रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इसका लिंक भी मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो प्लेटो के अनुसार उसके जो आदर्श राज्य का सिद्धांत, प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके अनुसार उसके आदर्श राज्य का आधार स्तंभ शिक्षा व्यवस्था है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को न्याय पर आधारित करने हेतु शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि न्याय की स्थापना शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि युवावस्था में भावनाओं और कल्पनाओं को संतुलित करती है तो प्रौढ़ावस्था में विज्ञान के द्वारा विवेक का विकास करती है तथा इसके बाद दर्शन के द्वारा विभिन्न शास्त्रों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराती है। इसी वास्तविक और अंतिम अर्थ में प्लेटो ने सद्गुण को ज्ञान कहा है, अतः ज्ञान ही गुण है। डियर स्टूडेंट्स, ये फैक्ट पूछा जाता है कि किस विचारक का मत था कि सद्गुण ही ज्ञान है या ज्ञान ही गुण है? तो इसका आंसर है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात मनुष्य के अंतर्गत जो उसके अच्छे गुण होते हैं वो उसके ज्ञान के द्वारा प्रेरित होते हैं, अर्थात ज्ञान ही गुण है, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ गुण है। अगर आपको मेरे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, अब जान रहते हैं कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली कितने भागों में विभाजित थी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली तीन स्तरों पर विभाजित थी। इसके अंतर्गत प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये तीन भाग क्या थे उसके बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा, इसका जो पहला भाग था वो प्राथमिक शिक्षा था। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ पढ़ना और लिखना ही सिखाया जाता था तथा प्राचीन कविता, व्यायाम व शिक्षा की संगीत की शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो 6 वर्ष की अवस्था से 14 वर्ष तक की अवस्था तक था। अब जान लेते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो इस शिक्षा का लाभ अमीर लोग ही उठा सकते थे। इसके अंतर्गत अलंकार शास्त्र, भाषण कला तथा राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। इसका समय 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था तक था। अब जान लेते हैं सैनिक शिक्षा के बारे में। एथेंस के प्रत्येक युवक के लिए यह शिक्षा अनिवार्य थी। इस शिक्षा में दक्ष होने पर ही व्यक्ति को नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। शिक्षा का यह स्तर 18 वर्ष की अवस्था से लेकर 20 वर्ष की अवस्था तक था। अब जान लेते हैं प्लेटो ने जो उच्च स्तरीय शिक्षा, जो हायर एजुकेशन के बारे में अपना सिद्धांत दिया था वो क्या था। प्लेटो के समय में हायर एजुकेशन का भी सिस्टम था और ये उच्च स्तरीय शिक्षा किसको दी जाती थी, इसका वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह उन विद्यार्थियों के लिए थी जो प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान होते थे। प्लेटो ने उसे शिक्षा के दो स्तर निर्धारित किए थे,
देखिए, जो मैंने इसके पहले जो अपनी शिक्षा प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है, वो राज्य के सभी वर्ग के लिए, राज्य के प्लेटो के राज्य में कितने वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग हैं, सैनिक वर्ग हैं और शासक वर्ग हैं। तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी और सैनिक शिक्षा थी, ये राज्य के सभी लोगों के लिए अनिवार्य थी। इसकी शिक्षा प्राप्त करना सभी लोगों के लिए अनिवार्य था। लेकिन जो उच्च स्तरीय शिक्षा थी वो सिर्फ प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता था। प्लेटो ने उच्च शिक्षा के दो स्तर निर्धारित किए थे। ये दो स्तर क्या थे? पहला जो था इसका स्तर, वो 20 से 30 वर्ष की अवस्था तक था। तो 20 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए जो शिक्षा थी वो क्या थी, इसके बारे में जान लेते हैं। इस वर्ग के विद्यार्थियों को चार विषयों, अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष शास्त्र तथा स्वर विद्या का ज्ञान दिया जाता था। प्लेटो मानव आचरण और विकास के संदर्भ में विज्ञान को बहुत अधिक महत्व प्रदान करते थे। अब जान लेते हैं जो दूसरा स्तर था, 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा का जो स्तर था वो क्या था। 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक जो वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसके बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाता था। उस परीक्षा में जो सफल छात्र होते थे उन्हें 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक द्वंद्व व दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब प्लेटो के अनुसार चुकी है शिक्षा, अब इसके बारे में जान लेते हैं। जब 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक द्वंद्व व दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्रदान कर दी जाती थी, तो उसके उपरांत प्लेटो का यह मानना था कि चूँकि यह शिक्षा जो 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रदान की जाती थी जो 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक जो प्रशिक्षण ले चुके हैं। उसके बाद एक परीक्षा का आयोजन होता था, उसके उपरांत उस परीक्षा में जो सफल छात्र होते थे या सफल व्यक्ति होते थे उन्हें 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक द्वंद्व व दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। तो लेकिन वो चुने हुए लोग थे, तो लेकिन प्लेटो का यह मानना था कि यह शिक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैद्धांतिक पक्ष से ही सरोकार रखती थी। इसके अंतर्गत सिर्फ सिद्धांतों का ही अध्ययन होता था, व्यावहारिक शिक्षा इन्हें प्राप्त नहीं होती थी। अतः प्लेटो ने आगामी 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। अर्थात 35+15 यानी 50 वर्ष तक की अवस्था तक प्लेटो शिक्षा पर जोर देते थे। उनका यह मानना था कि चूंकि 35 वर्ष की अवस्था तक सिर्फ और सिर्फ चुने हुए व्यक्तियों को सैद्धांतिक पक्ष की जानकारी होती थी, अतः 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर उन्हें व्यावहारिक शिक्षा भी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार से जो व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र तक हर अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे, वे ही दार्शनिक राजा बनेंगे व राज्य का शासन भार संभालेंगे, तथा शेष उसके उपरांत जो शेष व्यक्ति रहेंगे उन्हें सैनिक वर्ग के रूप में चुना जाएगा और उनके ऊपर राज्य की सुरक्षा का दायित्व होगा। तो ये थी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत मैंने प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा थी। इसके उपरांत मैंने उच्च स्तरीय शिक्षा के बारे में बताया, जो कि पहला इसका चरण था 20 से 30 वर्ष तक की आयु तक और दूसरा चरण था 30 से 35 वर्ष की आयु तक। उसमें जो सफल व्यक्ति जो 30 से 35 वर्ष तक की आयु तक जो चुने हुए व्यक्ति थे उन्हें फिर व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी द्वंद्व व दर्शन शास्त्र की शिक्षा के बाद। और उसके उपरांत जब वो उनमें से जो सफल व्यक्ति होते थे उन्हें दार्शनिक राजा बनाया जाता था और जो बाकी के शेष बचे हुए लोग थे उन्हें सैनिक वर्ग में शामिल कर लिया जाता था। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये थी प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। कल इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आऊँगी, जो कि प्लेटो के साम्यवाद से संबंधित है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिए, क्योंकि आपके द्वारा लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, जिसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं और मेरे इस प्रयास में सहयोग प्रदान करिए। मेरी यह वीडियो लेक्चर न केवल नेट की परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि ये TGT, PGT, RPSC फर्स्ट ग्रेड के और स्टेट लेवल के अन्य
एजुकेशनल एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आपके सामने से विदा लेती हूँ। कल इस वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।